जय बोलो मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, श्रावक को दान और पूजा ये दो कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। दान की श्रेणी से ही चढ़कर के व्यक्ति त्याग की भावना में पहुंचता है और अंततः वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। दान से सुख मिलता है, दान से आनंद मिलता है, दान से परंपरा से मोक्ष का कारण का रास्ता खुलता है। इसलिए हम सब लोगों को कभी आहार दान, औषध दान, अवयव दान और ज्ञान दान, इस प्रकार के दान करते रहना चाहिए। दान करने से छोड़ने के भाव प्रकट होते हैं, जोड़ने के भाव प्रकट नहीं होते हैं। हम सब छोड़ेंगे तब हमें सब सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए धीरे धीरे शनै शनै इस दान के धर्म में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना काल में देख रहे हैं, लोग घर बैठे भी किसी न किसी बहाने अपने जन्म दिवस, अपने वर्षगांठ, अपने किसी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर कभी शांति धारा, कभी विधान आदि माध्यम से जुड़ करके दान के महत्व को समझ रहे हैं। आप सब लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आज मंदिर जी में महाशांति धारा में पार्श्वनाथ भगवान की उसमें 14 परिवारों के नाम आए हुए हैं। आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण योजना चल रही है, उसमें 2 परिवारों के नाम आए हुए हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप अपना नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांति पूर्वक सुने। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पतञ्जलिन जिनविशेक्ष्यामि ते स्वाहा। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं हं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रौं मं पापं खण्डे खण्डे हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय। ॐ नमो अर्हं झं झ्वीं क्षीं हं सं झं पहा छां छीं छूं छैं छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठाय ठाय अस्माकम्। आज हमारे पास शांति धारा में 14 नाम आए हुए हैं। इन परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि एवं मन्नत वाले बाबा का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से नाम है राहुल जी दोषी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इंदौर मध्य प्रदेश निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। अनित जी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्नेहलता भावेश जैन अंकिता अरमान आद्विक अविका की तरफ से जयपुर निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। श्री जितेंद्र कुमार जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैना जैन पूजा जैन शोभित छुटकी शालिनी रजत जैन मालवीय नगर जयपुर निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम एवं आज इनकी तरफ से अन्नपूर्णा योजना भी है। अरविंद कुमार जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अनुराग जैन अरुण कुमार जैन सपरिवार सेक्टर 46 फरीदाबाद निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। श्री नंदलाल चंद्रकांता देवी जी राजकुमार प्रदीप कुमार प्रमोद कुमार सुबोध कुमार अनिल कुमार संजय कुमार एवं समस्त पहाड़िया परिवार पटना सूरत नागपुर निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। दिविसा जैन पाटनी ताराचंद शारदा पाटनी पीयूष सुरभि पाटनी दीपेश ऋचा पाटनी खुशी सौरिस रायसा द्वारा जयपुर राजस्थान निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। नंद किशोर जैन मैना देवी राजेश एकता मुनीश सपना रुचिता ऋषभ मिताली श्रेयान जैन काठमांडू नेपाल निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। इनकी 51 दिन शानदारा चल रही है और ताराचंद पाटनी जी की भी 21 दिन शानदारा चल रही है और नंदलाल जी की भी 21 दिन शानदारा चल रही है। श्रीमती रजनी जी धर्मपत्नी श्री शरद राज जी कासलीवाल श्री अंशुल जैन अभिलाषा रहने शाह जैन सा परिवार रोहिणी दिल्ली निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। इनकी 21 दिन शानदारा मंदिर जी में चल रही है। विजय सोनू अरुण जैन साउथ एक्सटेंशन निवासी कोरोना रोग निवारणार्थम इनकी 21 दिन शानदारा मंदिर जी में चल रही है। श्रीमती शारदा देवी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री कैलाश चंद पाटनी अशोक कुमार पुष्पा देवी अंकित जैन प्रियंका दीपक अवाम सांच
रांची इम्फाल मणिपुर निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इनकी भी 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। शकुंतला जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु बिमल चंद महावीर सुधा मनन निकिता छावड़ा विज्ञान नगर कोटा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इनकी 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। सुरेश जी राव का श्रीमती अंजना वैभव रश्मि श्वेता नेहा श्रुति लब्धि वंशिका देशना लायरा जैन समस्त राव का परिवार छत्र योजना वैशाली नगर अजमेर निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इनकी 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। माड़क चंद जी संजीव वर्षा हिमांशु राधिका अरु समस्त शाह परिवार पनवाड़ टॉक राजस्थान निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इनकी 7 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। ओम सर्व शांति धारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी के समझ बैठकर देखने वाले हम सकल जैन समाज से श्री रस्तो समृद्धि रस्तो नित्यम आरोग्य मस्तो सुख मस्तो दीर्घायु रस्तो कुल गोदनानी सदा संतो सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्य स्वाहा एवं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वज्ञ निवारणार्थम श्रीमद अर्हत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय श्री द्वादश गढ़ सहिताय अनंत चतुर्थ सहिताय समव शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेश्वरी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर शुकास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोप संग विनाशनाय घाती क्रम चयंकराय अज्राय अव्वाय सर्व शानदारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी बैठकर देखने वाले सकल जैन समाज से सर्व जीवस्य व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव तद्ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। हे भगवान आपके ध्यान से मेरा सतत सुप्रभात हो, नया दिन हो, यह भावना भाते हैं। संगीत स्तुति मंगल प्रसताम मैं सुप्रभात हो सभा। संगीत मंगल गान मंत्रों के उच्चारण से मेरा जो सुप्रभात हो वह मेरे लिए मंगलकारी हो, संसार के जीवों के लिए भी मंगलकारी हो, ऐसा ही सुप्रभात अब हमारे पास आने वाला है। नए वर्ष के रूप में 2020 को अलविदा करते हैं और अब आने वाले जो 2021वां वर्ष है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। कैसे स्वागत करेंगे? भगवान की आराधना करके, भगवान का अभिषेक करके, उनकी पूजा पाठ करके। तो आइए, रत्नत्रय जैन मंदिर द्वारका में दीप आराधना हो रही है 48 मंडलों द्वारा, 48 परिवारों द्वारा। आप सब लोग उससे जुड़ सकते हैं और अपना मंगल सुप्रभात नव वर्ष का प्रारंभ करें। आप सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। रत्नत्रय जैन मंदिर में आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण तहत जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है आज उसमें दो परिवार के नाम आए हुए हैं। श्री जितेंद्र कुमार जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैना जैन, पूजा जैन, शोभित छुटकी, शालिनी रजत जैन मालवीय नगर जयपुर निवासी आज इनकी तरफ से शांतारा विधि एवं शरद राज जी कासलीवा रोहिणी निवासी वालों तरफ से इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना एवं आने वाले रविवार के दिन मंदिर जी में संभवनाथ व्यवधान का आयोजन किया जा रहा है। जिस किसी महानुभाव को अपनी ओर से विधान कराना हो वह शीघ्र अतिशीघ्र नाम देकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। जय जिनेंद्र। बंधु सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है रत्नत्रय जैन मंदिर द्वारका दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है, अतिशय क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं। आप भी यहाँ पर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर या फिर विवाह वर्षगांठ हो या घर पर किसी की पुण्यतिथि हो या कोई भी शुभ मंगल कार्य हो यहाँ पर आप शांति धारा करा सकते हैं, जिसकी एक दिन की राशि शांति धारा की मात्र 1100 रुपये है, 7 दिन की मात्र 5100 रुपये, 21 दिन की मात्र 11000 रुपये एवं 51 दिन की मात्र 21000 रुपये है। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण तहत जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, निःशुल्क भोजन वितरण चल रहा है, उसकी एक दिन की राशि मात्र 2100 रुपये, 3 दिन की राशि मात्र 5100 रुपये एवं 7 दिन की राशि मात्र 11000 रुपये है। इसमें आप यहाँ पर करा करके धर्म लाभ ले सकते हैं। जय जिनेंद्र।
सभी। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी, वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल, वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। प्रीति, वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, शक्तिनगर, दिल्ली। श्रीमती राजबाला जैन, वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन, पीतमपुरा, दिल्ली।